मनीषी, ये हमारा लैंडर है, ये हमारा रोवर है और ये चांद है, अगर हम इसको ऐसा मान ले, आप डेमो के जरिए बता सकते हैं कैसे लैंडर लैंड हुआ होगा, कैसे रोवर उतरा, और जो आपने बात की चंद्रयान टू की, जिसमें हम सक्सेसफुल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से चंद्रयान थ्री लॉन्च हो पाया, तो अब ये चंद्रयान थ्री चांद पर रहेगा 14 दिन, और ये किस तरीके से काम करेगा, अगले 14 दिन हमारा रोवर क्या करेगा और हमारा लैंडर क्या करेगा? ओके, देखिए, जब हमने लैंड करा तो ये रोवर जो था ये लैंडर के अंदर था जी। अब देखिए कितना इसको नेचुरल किया गया है ना, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जिससे वो माँ से जुड़ा होता है। यहाँ पर वही टेक्निकल टर्म यूज करी गई है। जो ये रोवर था ये जब लैंडर के अंदर होता है तो वो जो केबल है जिससे जुड़ा होता है उसको कहा गया वो अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ, मतलब एकदम रियलिस्टिक आप समझिए। फिर ये रैंप है, देखिए मैं इसको साइड कर देता हूँ, ये रैंप है, ये रैंप ऐसे नहीं थी, ये फोल्डेड थी, टू वे फोल्डेड थी, और ये रोवर इस रैंप के बंधा हुआ था। ओके, तो ये रैंप पहले एक इसका हिस्सा ऊपर खुलता है, अच्छा, और फिर ये सीधी होती है, ओके, और फिर ये ऐसे नीचे जमीन पे आके सटकती है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस कल लैंडिंग के 2-2.5 घंटा के अंदर हुआ। अब आपको ये सवाल आएगा लैंडिंग के 2-2.5 घंटा क्यों? बाद क्यों? क्योंकि चांद की जो मिट्टी है, आप जब इतने रॉकेट फायर करेंगे, इंजन फायर करेंगे, तो चांद की मिट्टी उड़ेगी। अब चांद की मिट्टी धरती के जैसी नहीं है, चांद की मिट्टी में इलेक्ट्रिक चार्ज है, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सर्दियों में प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हुए स्वेटर पहन के, और फिर आप सहारा ले गए पीछे ऐसे सटक जाते ना, फिर आप उठे और आप गए पानी पीने, और आपने जैसे वो अपना मेटल का ग्लास उसके टच करा और चटक आवाज आती है, आप नल के हाथ लगाते चटक आवाज आती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। हुआ ये कि एक घर्षण हुआ आपके कपड़े का प्लास्टिक से और आप में चार्ज आ गया, और वो आप जब जाते हो चटक आवाज आ जाती है। अब होता क्या है, चांद की जो मिट्टी है उसमें वो वाला चार्ज है, अब आया कहां से? क्योंकि चांद के पास वातावरण नहीं है, सूरज जो है वो गुस्सैल है, वो मतलब उसके नेचर में है कि ऊर्जावान है, तो हाई एनर्जी पार्टिकल फेंकता है। अपना एटमॉस्फेयर तो क्या करता है ना, एक शील्ड है ना, तो पिता के गुस्से से माता बचा लेती है, लेकिन मामा जी को कौन बचाए? तो वो पिछले लाखों सालों से झेले जा रहे हैं गुस्सा जो चांद है। तो उसकी जो मिट्टी है वो जब सूरज गुस्से में होता है, जब मतलब वहां पे दिन है तो उस वक्त उसका तापमान 100 डिग्री पार होता है, जब रात होती है तो -180 होता है, हाई एनर्जी पार्टिकल आ रहे हैं। वो क्या करते हैं ना, इस मिट्टी को जला चुके, इस मिट्टी में बारूद की स्मेल आती है। तो जब पहली बार नासा के साइंटिस्ट पहुंचे थे चांद पे, तो वो मिट्टी का सैंपल लाए थे, उस मिट्टी के सैंपल को जब वो लाए थे तो उनसे पूछा कैसी स्मेल है, तो उन्हें बताया था कि बारूद के जैसी स्मेल है, और वो मिट्टी ऐसी है कि जो आपके ऊपर चढ़ जाएगी, चढ़ने लग जाएगी, मतलब आप उस मिट्टी में चलोगे वो आपके ऊपर चढ़ने लग जाएगी, क्योंकि उसमें चार्ज है, वो आपके चिपकने लग जाएगी, जैसे बाल चिपकने लग जाते हैं अपने जो थोड़ा ड्राई वेदर होता है तो, है ना। अब हमने जब रॉकेट की इंजन फायर करे लैंडर के, तो मिट्टी अभी उड़ रही है, हवा में है, वहां पे हवा नहीं है, मतलब वो मिट्टी बस आ जाती है ऊपर, क्योंकि उसमें चार्ज है, तो वो वहां पे रुक जाती है। तो इससे 2 घंटा हमने वेट करा, इसरो ने तो बोला था 2 घंटा नहीं तो 8 घंटा हम तो वेट करेंगे, हमको लैंड करना था, हमने लैंड कर दिया। अब जल्दीबाजी क्यों करें, क्योंकि अगर हम जल्दीबाजी करते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म लैच का मैकेनिज्म है, मूविंग पार्ट है, मिट्टी अभी हवा में घूम रही है, हवा नहीं मतलब उसमें उसको एयरबोर्न कहना तो गलत होगा, क्योंकि वहां पे हवा नहीं है, लेकिन वो उठी हुई है जमीन से, एक यहाँ पर उसने एक बादल सा बनाया हुआ है, खुद का मिट्टी का बादल है। तो उस मिट्टी के बादल में हमने कुछ भी करना कोशिश करी और उसने कुछ एक गड़बड़ कर दी, और जल्दीबाजी में कहीं कोई पार्टिकल फंस गए, फिर चिपक गए, तो फिर मुश्किल हो, सारी मेहनत ही वो होगी, मतलब लैंडिंग कर दी सही और आगे गड़बड़ हो, तो उन्होंने कहा वेट करेंगे। अब वेट करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि मिट्टी बैठ गई, तो कैमरे लगे हुए थे इसके ऊपर, तो 8 कैमराज के साथ गए थे अपन, हर एक एंगल को कवर करा हुआ इसके, तो देखा, उन्हें देखा होगा कि हाँ 2-2.5 घंटा, उन्हें बोला 2 घंटे से 8 घंटा में बैठेगी, डिपेंड करता है कितनी उड़ी है, क्योंकि चांद की सतह ऐसी नहीं है कि वहां पे बस रेगिस्तान थोड़ी ना, कि हर जगह मिट्टी, कहीं मिट्टी ज्यादा कहीं कम, अनइवन सरफेस है, अजीब सा सरफेस है। वो मिट्टी बैठ गई होगी 2-2.5 घंटा बाद, तो उन्होंने रैंप खोला और रोवर बाहर निकला। अब ये रोवर है, ये रोवर सिर्फ और सिर्फ विक्रम से ही बात कर सकता है। अच्छा,
लेकिन जो विक्रम है हाँ. ये सीधा धरती से बात कर लेगा. विक्रम जो है वो चंद्रयान 2 से बात कर लेगा. और अगर आपको याद हो तो एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी था अपने पास. प्रोपल्शन मॉड्यूल भी अभी चांद के चारों तरफ घूम रहा है, ये उससे भी बात कर सकता है. ये सबसे बात करेगा लेकिन इसको भी अलाउड नहीं है. पूरा सोर्स ये है कि ये सोर्स भेजने का, चीजों को लाने का और ऑर्डर देने का पूरा सोर्स ये, यही हमारा कनेक्शन है. तो जो प्रज्ञान है ये विक्रम से बात करेगा. इसका जो दायरा है वो दायरा इसका है 500 मीटर. तो 500 मीटर के दायरे तक ये जो प्रज्ञान है ये घूम सकता है. लेकिन ये घूमेगा बहुत धीरे, घूमेगा 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे. वो इसलिए क्योंकि अगर जल्दी चला रहे हैं और अनइवन सरफेस, बार बार बोल रहे हैं और कुछ ऊपर नीचे हुआ और ये तेज दौड़ रहा है और अगर बैलेंस बिगड़ा तो इसको वापस खड़ा करने का तो सेटअप इम्पॉसिबल है हमारे लिए. तो हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए धीरे धीरे मूव करेगा. ये जो सेटअप है इसका, ये जो व्हील्स हमें दिख रहे हैं इसको रॉकर बॉगी कहते हैं. मैकेनिज्म ये ऐसा है कि अगर सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गई तो ये एडजस्ट कर जाएंगे, पहिए एडजस्ट कर जाएंगे. हर एक पहिए पे एक मोटर लगी है, ये पहिया एडजस्ट कर जाएगा कि इसके ऊपर से चढ़ जाए. मतलब इसको ऐसा मान लीजिए कि अगर एकदम परफेक्ट हाई पावर का अगर इसको बनाया जाए तो ये ऐसा है कि अगर मैं यूं हाथ रख दूं तो ये ऐसे भी आ जाएगा एक बार के लिए. अच्छा, ऐसा भी आ जाएगा, बैलेंस अपना बिगड़े दिए बिना बैलेंस नहीं बिगड़े. तो इसको रोकर बोगी कहते हैं. वो ये पार्ट है, ये इसका पैनल है, इसके ऊपर लगे हुए कैमरे. तो जब ये दो, इसके एक इसका कैमरा जो है वो विक्रम को भी देख रहा है, इसके आगे भी कैमरा है, उन कैमरा से फोटो ली जाएगी. वो फोटो ये विक्रम को देगा, विक्रम फोटो को धरती पे भेजेगा और फिर हम डिसाइड करेंगे इसको जाना किधर है. अच्छा, मतलब इसकी जो प्रोफाइल है किधर घूमेगा वो हम डिसाइड करेंगे. ये कमांड हमारी तरफ से जाएगा, वो लैंडर नहीं देगा जैसा कि अभी तक सारा लैंडर. अब बस हो गया इसका काम, अब इसको बात माननी पड़ेगी. तो फिर ये इससे पूछ के जाएगा, ये हमसे पूछ के बताएगा, इस तरीके से चलेगा. इसके ऊपर 2 पेलोड लगे हुए हैं जो मिट्टी को पढ़ेंगे, चांद की धरती को पढ़ेंगे और चांद की धरती के बारे में बताएंगे. अब चांद की जो धरती है ना, इसके लिए एक शब्द यूज होता है, वो ये होता है कि चांद इस अपनी जो धरती है उसके इतिहास का म्यूजियम है. मतलब आपको अगर ये देखना है कि अर्थ कैसी थी कुछ लाखों साल पहले, तो उस म्यूजियम में जाना है तो चांद पे चले जाइए. अच्छा, इसलिए चांद को पढ़ना जरूरी है क्योंकि चांद ने धरती बनाई है. जब हम धरती को धरती नहीं कहते थे तो उससे आकर एक मतलब बहुत बड़ा पत्थर, मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर, धरती की साइज से कंपेयर कर लो ऐसा कोई बड़ा पत्थर, चट्टान इतनी बड़ी, या एक मान लो कोई एक ग्रह ही मान लो, वो आके उसे टकराया और जो उसे मलबा निकला वो चांद है. अच्छा, तो ये हिस्सा है धरती का ही, तभी तो रिलेशन बना दिया मामा वाला. मामा तो, और जो धरती पे वातावरण है उसका कारण चांद है. अच्छा, जिसमें ना सूरज गुस्सेल है उससे हाई एनर्जी पार्टिकल आते हैं, उसे बहुत ज्यादा तेज मतलब एनर्जी आती है, रेडिएशन आते हैं. तो हमारे पास वातावरण नहीं था, हम इस वक्त यहाँ पर ऐसे जो बात कर पा रहे हैं खुल के, उसका कारण है कि यहाँ पर वायुमंडल है ना, हवा है, ऑक्सीजन है. और हमको इसका डर नहीं है कि सूरज से अल्ट्रावायलेट, आपने सुना होगा ओजोन में छेद हो गया, कैंसर हो जाएंगे, डैमेज हो गया है. कहाँ से आई ओजोन, बनी कैसे ओजोन? अगर पहले मेरे पास धरती के पास ओजोन थी नहीं तो सूरज ने अलाउ क्यों करा बनाना? ऐसा क्या हुआ कि सूरज ने बनने दिया ओजोन, जबकि उसको पता है कि ओजोन लेयर जो है वो यूवी को रोकती है. आप इसको ऐसे समझिए, अल्ट्रावायलेट को रोकती है. तो चांद जो है इसके पास पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, चुंबकीय ताकत थी, इसके पास ज्यादा थी धरती से, तो इसने धरती को चांस दिया ये. लेकिन आप ये सोचिएगा कि ऐसे 5 साल 10 साल 50 साल कुछ लाख साल, जब आप बात करते ना मतलब यूनिवर्स की बात करते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं, तो वहां पर ऐसा होता है कि कुछ समय पहले का मतलब हम कुछ लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं. तो ऐसे कुछ लाखों साल पहले ये अलग हुआ, चांद बना. अब जो चांद है इसके ऊपर इसके जो पेलोड है वो उसको पढ़ेंगे जब, तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे बने. ये सौर मंडल, सोलर सिस्टम जो कहते हैं, इसकी पुरानी कहानियां, म्यूजियम है ना, पुरानी कहानियां पता चलेगी. जब सूरज बनना चाह रहा था, जब वो एक
ये पूरा जो सोलर सिस्टम था ये एक बड़ा गैस का गुब्बारा था, मतलब आप समझ लीजिए कितना बड़ा होगा वो गैस का गुब्बारा, जिससे कि जुपिटर, यूरेनस, नेप्ट्यून ये प्लैनेट्स निकले इतने दूर दूर तक, वो वहां से ये सब उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये बहुत बड़ी चीज है। उससे बड़ी चीज ये है कि चांद के भूकंप भी हम पढ़ेंगे कि चांद पर कंपन होता है क्या, वो पेलोड भी हमने भेजा है। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये नासा का पेलोड है, इसको हम यूज करेंगे देखने के लिए कि चांद हमसे दूर जा रहा है, पास आ रहा है, क्या डिस्टेंस कितना है, कैसे पता चला कि 384,400 किलोमीटर दूर है। आप ये बात समझिए ना। तो ये पेलोड्स हैं जो हमने भेजे हैं, इसके अंदर और भी पेलोड्स लगे हुए हैं जो कि जिसमें बताया ना कि वो चार्ज आ जाता है, उसको पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए सारा करना इसलिए जरूरी है, दलदली मिट्टी पे घर नहीं बनता। आप कह रहे हैं हमें ये सब क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें चांद पर एक आगे का भविष्य ये है कि चांद पर एक बेस कैंप बनेगा। वो जो बेस कैंप है वो आपको बनाना है, वहां पर आपको वहां पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है, उनको वहां पे रुकना है, आपको वहां पे कुछ रिसर्च करनी है, आपको वहां पे पानी चाहिए। तो आप वहां से, ऐसा तो है नहीं कि आप वहां से पानी की सप्लाई लेने जा रहे हैं, आप वहां बसावट सोच रहे हैं, आप वहां से आगे इंटरप्लेनेटरी मिशन पे जाना चाह रहे हैं, मतलब आप बोल रहे मैं मंगल पे जाऊं, मैं मंगल पे भी देखूं क्या हो रहा है। और ये कुछ ऐसा नहीं है जो अपन देख नहीं पाएंगे, ये 2023 है, 2035 तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा, क्योंकि अब तो भारत ने भी जिम्मा ले लिया, गगनयान पे तो काम कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें, मंगलयान वापिस एक और बन रहा है, शुक्रयान बन रहा है, वीनस पे जाने की बात करें, मतलब आजू बाजू के जितने भी पड़ोसी हैं सबको मिलके आएंगे अपन भी अब। तो ये जो सारा प्रोसेस है उससे हम क्या कर रहे हैं, चांद को पूरा अच्छे से समझना चाह रहे हैं। एक बार चांद समझ में आया तो वहां पर हम अगर इंसानों को भेजते तो वहां पर क्या रहे, क्योंकि इंसान चांद पे गए हैं लेकिन वो वहां पर कुछ समय के लिए गए हैं, वो वहां पर हफ्तों महीनों के लिए नहीं गए। और वहां से वो जब गए तो अपने स्पेस सूट में गए, वहां रुके, जो भी उनको छोटा मोटा सैंपल लेना था, कुछ करना था करा, और वापस उड़ के आ गए। वो गए थे चांद के इक्वेटोरियल पार्ट में, पोलर पार्ट में सबसे पहले हम ही पहुंचे। हाँ। अब मैं एक और आपको बात बताना चाहूंगा कि ये जो इसके व्हील्स हैं प्रज्ञान के, इनके ऊपर, एक के ऊपर तो इसरो का लोगो है, एक के ऊपर अपना नेशनल एम्बलम है। तो जब ये चलेगा तो एक ट्रैक बनेगा और उस ट्रैक पे अपना नेशनल एम्बलम छपता चला जाएगा, इसरो का लोगो छपता चला जाएगा। और जब तक कोई इंसान या कोई मशीन जाकर उसको नहीं मिटाएगी, हाँ। तो जब तक चांद है तब तक वो वहां रहे, वहां है। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत ही खूबसूरती से सोचा गया थॉट। मनीष जी, थोड़ा आप डेमो के जरिए बता पाएंगे कि ये चांद के जो 500 मीटर का एरिया है वहां पर किस आकृति में घूमेगा, क्या ये सीधे सीधे हर दिशा में जा सकता है या कोई रूट इसके कैमराज बना हुआ है? नहीं, इसका कैमराज है इसमें। हाँ, वो देखिए, क्योंकि हमने लैंडिंग पोजीशन तो देख ली, हाँ। आजू बाजू की पोजीशन अब इसके कैमरास हमें बताएंगे ग्राउंड स्टेशन पे, तो ये फोटोज खींचेगा और फिर वेट करेगा, फिर हम देखेंगे कि किस रास्ते जाना चाहिए, फिर इसको कमांड दी जाएगी, ये उसी रास्ते चलेगा और 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा। ये पूरा 14 दिन के लिए प्लान्ड है। हाँ, 14 दिन के बाद जब निकली है तो लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि लूना तो पूरे लूना 25 पूरे एक साल के लिए प्लान था, लेकिन हमने सिर्फ 14 दिन के लिए इसको क्यों प्लान किया? देखिए, ये एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि ये हमारे, मतलब प्लान हमने इसलिए किया क्योंकि इतना ही हो सकता था। लूना एक साल के लिए इसलिए जा सकता था क्योंकि सोवियत के समय से उनके पास वो टेक्नोलॉजी है। जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई थी तो सोवियत्स और अमेरिकन्स, कोल्ड वॉर का टाइम, वर्ल्ड वॉर टू में जो न्यूक्लियर वेपन्स बने थे उससे उनने अपनी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर ली थी, लेकिन बाकी देशों पे काफी धीरे धीरे, तो डेवलपमेंट धीरे हुआ। वो जो मेन कारण है कि लूना 25 एक साल तक जा रहा था वो इसलिए था क्योंकि उसके अंदर एक न्यूक्लियर का सोर्स जा रहा था, वो न्यूक्लियर का सोर्स गर्म रखने के काम आना था, गर्म रखने के काम, और उसमें रोवर नहीं है, उसमें सिर्फ लैंडर था। अच्छा। हाँ, उसमें सिर्फ लैंडर था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो बाहर निकलेगा, बस वो खड़ा हो जाना था और फिर वो कुछ नहीं, बस खड़ा रहेगा, सारे वो वहीं करेगा, खड़े खड़े करेगा। तो उसके अंदर एक क्रेन टाइप का सेटअप था जो ऐसे मिट्टी को खोद के निकालेगा, और जो लैंडर था वो वहां पर स्टक था, जहां पर जहां था वहीं उतरना था, वो हिलना नहीं था अपना, तो जैसे रोवर चलेगा। तो इसके अंदर एक हीटिंग यूनिट डाल रहे थे वो, उसको कहते हैं रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट। वो जब सूरज चमक रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जब सूरज नहीं है तो हमारे जो सोलर पैनल्स हैं उसमें तो पावर बनेगा नहीं। अब बिजली नहीं है
इसके अंदर हीटर होते हैं। हाँ, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स को हीटर चाहिए। अभी अपने को लगता है ना कि अपन धरती पे है तो अपन सब कुछ टेकन टू बी ग्रांटेड लेते हैं ना, लेकिन ये भी एक बहुत मतलब सोची समझी सेटिंग है। बाहर जाके देखें एक बार तो पता चले। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को एक टेम्परेचर रेंज में ही काम करना होता है। अगर उससे ज्यादा ठंडे हुए तो इलेक्ट्रॉनिक्स मर जाती है, और ज्यादा गर्म हुआ तो भी मर जाती है। तो जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, फोन जब बहुत गर्म हो जाता है तो बहक जाता है, है ना, वो हैंग होने लग जाता है। तो बहुत गर्म भी खराब करता है तो बहुत ठंडा भी खराब करता है। यहाँ पर गर्म को तो हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हम ठंडे को मेंटेन कैसे करेंगे, क्योंकि तब तो हमारे पास पावर सोर्स ही नहीं है। तो हम कैसे उसको मेंटेन कर पाएंगे जब ये बहुत ज्यादा ठंड की साइड जाने लगेगा, क्योंकि सोलर पैनल नहीं है, बिजली बन नहीं रही, तो इसकी हीटिंग यूनिट चलेगी कैसे। तो हम ये मान रहे हैं कि जो 14 दिन है जब तक सूरज दिखेगा तब तक काम करेगा, सूरज दिखना बंद होगा, धीरे धीरे इसकी जो बैटरीज हैं वो बैटरीज डाई हो जाएंगी क्योंकि डिस्चार्ज हो जाएंगी, तो जितना यूज कर सकते उतना यूज कर पाएंगे। उसके बाद अगर वापिस जब सूरज चमका, उगा, इनको दिखा, अगर जाग गए तो बोनस, और नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा काम 14 दिन में निपट गया।